बैंड की धुन पर अनुशासनबद्ध से चलते हुए ये नौजवान अधिकारी ये बता रहे हैं कि इनके जीवन का मुख्य ध्येय अनुशासन होगा और उसके साथ रक्षा, जिसकी शपथ इन्होंने ली है। एक बार फिर से सारी टुकड़ियां इंस्पेक्शन लाइन पर पहुंच रही हैं। एक बार फिर से सज्जा की कार्यवाही। इस मार्च पास्ट के दौरान जो भी छोटे मोटे नुक्स रह गए होंगे उन्हें ठीक करके ये परेड तुरंत विन्यसित हो जाएगी। परेड समीक्षा क्रम में आगे बढ़ रही है। अब संबोधनों का क्रम होगा और पुरस्कार वितरण होगा। संबोधनों के क्रम में सबसे पहले श्री दुर्गेश माधव अवस्थी जी, महानिदेशक नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी को कृपया स्वागत भाषण और प्रतिवेदन वाचन के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं श्री डीएम अवस्थी। आज के इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश के गृह मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, प्रदेश के नगरीय शासन मंत्री श्री शिव डहरिया जी, यहाँ उपस्थित पुलिस महानिदेशक सहित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं मीडिया कर्मियों, इस कार्यक्रम में जो दीक्षांत परेड ले रहे हैं 42 डीएसपी, उनको और उनके परिवारजनों को तथा उपस्थित सभी जनों का मैं एकेडमी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि 42 डीएसपी आज हमारे 20 से पास आउट होकर प्रदेश की सेवा में, प्रदेश की पुलिस की सेवा में आज यहां से पास होकर जाएंगे। हमारे लिए गौरव की बात है कि पिछले 3 वर्षों में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश की पुलिस ने विभिन्न मौकों पर कड़ी चुनौतियों का सामना किया है।